जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था टेरर इंसिडेंट आप लोग को शेयर किए थे, उसमें हमारे एक जवान सीरियसली इंजर्ड हुए थे। कल रात में इनका स्वर्गवास हो गया है, हम लोग बहुत दुख है इस बात का। बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पकड़ा गया था जैसा शेयर किए थे हम लोग, उसमें 3 लोग अरेस्ट भी किए हम लोग, और बाकी जो इन्वॉल्व है उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। सर कल भी सुपर में देखा अटैक हुआ, तो उस बारे में बताइए। कल जब वहाँ पर MC ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो उनके चेयरमैन साहब को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मीटिंग के पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन उनके पास 4 गनमैन थे, PSO, 2 सिक्योरिटी विंग का था, 2 पुलिस लाइन का था। और जब इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में हमारे जो पुलिस थे उनके PSO, उनको रिटेलिएट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ऐसा रिटेलिएट करता तो दोनों मिलिटेंट को मार लेते, इंसिडेंट बचा सकते थे। थोड़ा सा सिक्योरिटी लेप्स रहा है जिसके लिए हम लोग 4 को सस्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट के 2 को कर दिया गया कल, और मिलिटेंट जो पकड़ा है, जो कल हम लोग एक पकड़े हैं आसिक पंडित करके, OGW है, इसको इंट्रोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मुदसर पंडित LET का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था LET का, दोनों इंसिडेंट के एक रात उसके घर पर आया था, वहीं से प्लानिंग किया, कल इंसिडेंट किया है। तो जो कंसर्न और लोग हम लोग पकड़ रहे हैं, और कल 2 जगह कॉर्डन सर्च किए थे, वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। इनफैक्ट की कॉर्डन के पहले भाग गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो सर 3 दिन में 9 कैजुअलिटीज हुई है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इंसिडेंट हुए हैं। हाँ इंसिडेंट हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग भी अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, और अपने जहाँ जहाँ हमारे टेक्टिकल मिस्टेक हुई है, चाहे डिप्लॉयमेंट में, चाहे हमारे पुलिस कर्मी से हुई हो, या पैरामिलिट्री फोर्स से, या आर्मी से, उसको हम लोग प्लग कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो सर कल बारामूला में भी 6 यूथ्स को अरेस्ट किया गया है, तो कहाँ जा रहे थे और क्या था? जो इंट्रोगेशन अभी तक हुआ है तो वो ग्रेवयार्ड को देखने गया था, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि ये पाकिस्तान जा रहा था एक्सप्लिसिटली, जो गलत है। कल शोपियान के बहुत सारे लड़के पकड़े गए थे बारामूला से, तो उसकी नहीं, बारामूला में नहीं, वो लोग ग्रेवयार्ड को देखने गया था जहाँ मिलिटेंट को दफनाया गया, वहाँ गया था, ना कि कोई बॉर्डर तरफ कोई नहीं जा रहा था। आजी साहब आप मानते हैं कि जिस तरीके से मतलब जो बाहर के गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं अटैक के लिए, तो इस वजह से ऑर्डर निकाला गया है कि जो भी बाहर से आउट ऑफ स्टेशन जो बिल्कुल, देखिए जो बाहर से गाड़ी आप लाते हैं तो SOP है कि 15 डेज के अंदर में यहां से फ्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लोग कोई कुछ एक एक साल से नहीं कराया है, और जितने रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, चाहे परिमपरम हुआ हो, लवाईपुरा इंसिडेंट हुआ हो, चाहे ड्रग्स में जितने केस पकड़ाए जा रहे हैं, तो वही सब गाड़ी है जो कि रजिस्टर नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग कुछ गाड़ी को सीज कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, और उनको RTO कश्मीर ने कल एक सर्कुलर निकाला है कि 15 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सबको। तो सर आपको पब्लिक इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये उनके लिए। हम देख रहे हैं कि जितने भी अटैक्स हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस पे है या CRPF पे, लेकिन विद इन जवान या जो पुलिस के लोग हैं, SOPs नहीं फॉलो हो रही है, जिसकी वजह से अटैक्स हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग डिफेंस कोर्स कराएंगे, खास के जो हमारे जवान हैं, आप जैसा देखते हैं कि यहाँ ड्यूटी 7 के 7 दिन करना, महीना के 30 दिन में 24 आवर ड्यूटी होता है, जवानों को ट्रेनिंग करने के लिए मौका नहीं मिलता, लेकिन हम लोग टाइम निकाल के फिर भी रिफर्सल कोर्स कराएंगे, रीट्रेनिंग उसको कराएंगे, और ट्रेनिंग देंगे अपने PSO को, जो जवान डिप्लॉयमेंट होता है। कुछ कुछ जगह BP गाड़ी का कमी है, उसको हम लोग कमी पूरा करने के प्रयास करें, सीनियर ऑफिसर्स हम टेकअप किए हैं, मिल जाएगा। सर मैक्सिमम अटैक TRF एक LET का ऑफशूट है, और TRF को एक ऑनलाइन जैसे बार बार कर रहे हैं मतलब पिछले 1 साल से, TRF को ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, TRF क्लेम करती है ऑनलाइन, लेकिन LET ने अटैक किया था। सर क्या सिक्योरिटी रिव्यू होगा BDC का, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जितना उनका कैटेगरी के हिसाब से PSO मिलना था दोनों को, 2-2, 4 PSO मिला हुआ था, कोताही कहाँ हुई कि मीटिंग करने के पहले कंसर्न थाना को इतला करना चाहिए कि मेरा मीटिंग हो रहा है, अगर इन्फॉर्म करते टाइमली तो एडिशनल मैन पावर डिप्लाई हम लोग करते हैं, जो नहीं इन्फॉर्म किया नहीं डिप्लाई किए, फिर भी 4 गनमैन हमारे PSO सफिशेंट था रिटेल करने के लिए। अगर आप लोग खुद कल जा देखे होंगे, अगर कॉरिडोर में सीढ़ी पर एक भी जवान तैयार रहता तो मिलिटेंट कमरा के अंदर नहीं पहुँच पाता। थैंक यू। Oh
हमारा